हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑप्शन क्लासी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ऑप्शन क्लासी की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एवरी वीक हम निफ्टी का वीकली आयरन फ्लाई का बैक टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि हम लास्ट वीक में निफ्टी को कैसे मैनेज कर सकते थे। तो उसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं हमारे सिमुलेटर पर। सो आज हम निफ्टी में हमने निफ्टी सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। 25 अगस्त का हम बैक टेस्टिंग करेंगे। सो थर्सडे को 18 अगस्त को हम 320 के करीब हम हमारा आयरन फ्लाई क्रिएट करेंगे। जो स्पॉट चल रहा है 17950 एंड फ्यूचर है 17975। सो हम 17950 को एज अ स्ट्रैडल वहाँ पर क्रिएट करके जाएंगे, ठीक है, स्पॉट के हिसाब से। सो 17950 का हमने कॉल एंड पुट को हमने एक लॉट सेल कर दिया है। जो प्रीमियम कलेक्टेड है 117 एंड 144, सो नियर अबाउट 250 का पॉइंट्स हमें प्रीमियम कलेक्ट हुआ है। सो ऑन अपसाइड चलेंगे 250 पॉइंट्स। सो 18200 का हमने कॉल बाय कर लिया है, ठीक है। एंड डाउन साइड चलेंगे सो यहाँ से 17700 का पुट बाय कर लिया है। सो ये हमारा आयरन फ्लाई बनकर रेडी है। आप देखिए, जो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें यहाँ पे शो हो रहा है वो है 8700 एंड जो लॉस है वो है 3800, ठीक है। जो मार्जिन यूज़ हो रहा है नियर अबाउट 50000 का। चलिए अभी चलते हैं और बैक टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सो हाफ एन आवर से आगे बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। जब तक हमारा ब्रेक इवन ब्रीच नहीं होता है तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर फ्राइडे को मार्केट हमारी रेंज में रहता है तो फिर हमारे जो हैज है उसको इनसाइड ले आएंगे। चलिए, अभी तक तो मार्केट रेंज में है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, मार्केट डाउन होता हुआ हमारी रेंज के पास में आता हुआ, हमारा जो ब्रेक इवन है 17775 का है। अभी 17800 तक मार्केट आ चुका है। मैं 5-5 मिनट से आगे बढ़ाता हूँ। 17800, ठीक है, 790। अभी देखिए, हमारा ब्रेक इवन ब्रीच कर दिया है, 17763 पे आ चुका है। सो अभी हम क्या करेंगे, इमीडिएट बेसिस पे 17750 का जो पुट है उसको हम बाय कर लेंगे, ठीक है। और जो हमारा पहले का इसका 17700 का पुट था उसमें से हम एग्ज़िट हो जाते हैं। तो अभी क्या होगा, हमारा जो डाउन साइड का रिस्क था वो कम होकर 2300 के पास आ चुका है। अप साइड में हम चलेंगे, वहाँ पर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी हमारे हेजिस को अंदर लाने के लिए। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में जो गैप है वो है 50 का, ठीक है। सो 50 के हिसाब से आप 20% लगाओगे तो नियर अबाउट कितना बैठेगा इसका, 10 पॉइंट्स बैठेगा, ठीक है। सो जब कभी दोनों स्ट्राइक के बीच का आप शिफ्टिंग करोगे तो उन दोनों का डिफरेंस 10 रुपये या उससे कम होगा तो आप शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि हमें हमारी पॉकेट से 10 रुपये उससे कम ही हमें देना है। तो वैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी आप अगर 10 रुपये से कम है तो शिफ्ट कर सकते हो, वैसे फिर इन दोनों का बीच का डिफरेंस भी 10 रुपये या उससे कम है तो आप शिफ्टिंग कर सकते हो ऑन अपसाइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 17 रुपये और 22 रुपये, 5 रुपये का डिफरेंस है। यहाँ पर 7 रुपये का डिफरेंस है, दोनों के बीच का डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, 22 एंड 29 का डिफरेंस है, 7, 29 एंड 38 का डिफरेंस है नियर अबाउट 9 रुपये का, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, फिर ये ज़्यादा 12-13 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, 18050 पर हमारा हेजिंग को शिफ्ट कर लेते हैं, उसको हमने बाय कर लिया है। एंड 18200 का जो कॉल था उसमें से हम एग्जिट हो गए। अब हम देखते हैं हमारा पे ऑफ ग्राफ क्या बनकर रेडी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा बनकर रेडी है। अप साइड में हम लॉस फ्री हो चुके हैं एंड डाउन साइड में जो हमारा रिस्क है वो नियर अबाउट 3400 का बचा हुआ है, जो पहले भी हमारे पास, हमने जब आयरन फ्लाई क्रिएट की थी तो इतना ही रिस्क था 3800 का। सो अभी हम 3400 का मैक्सिमम लॉस है हमें ऑन डाउन साइड। सो फ्रेंड्स, अभी हमने क्या किया है, इसको रिस्क फ्री कर लिया है अपसाइड में। तो अभी हम क्या करेंगे, हम बाइंग कहाँ पर है हमारी 18050 पर, वहाँ से 100 पॉइंट और नीचे जाते हैं और 18150 के कॉल को हम शॉर्ट कर देंगे दो लॉट में, ठीक है फ्रेंड्स। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, दो लॉट भी कर सकते हो और एक लॉट भी कर सकते हो। अगर आपके पास मार्जिन का कम प्रॉब्लम है तो आप एक लॉट में कर सकते हो, मैंने यहाँ पर दो लॉट में किया है। नॉर्मली मैं दो लॉट में ही करता हूँ, क्योंकि मार्केट अगर रिवर्स भी आएगा तो देखिए, जब मार्केट हमारे इस पॉइंट पर आएगा मींस के 17950 जहाँ पर हमने स्ट्रैडल क्रिएट किया है, तो ब्लू लाइन के हिसाब से आपका मैक्सिमम लॉस हो रहा है 3300, ठीक है। और वो तभी होगा अगर वो
अभी फ्राइडे के दिन में ही आ जाता है, तो अगर जैसे ऐसे दिन बीतेंगे, मान लो मंडे को आता है, तो ये क्या, ये ब्लू लाइन फिर कुछ ऐसे हो जाएगी। तो आपका अगर सेंटर में आता भी है तो यहाँ कोई ज़्यादा बड़ा लॉस होगा नहीं, और तब आप इसमें से छोटा मोटा लॉस लेके अपने एक्स्ट्रा सेलिंग में से और उसको आउट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, इसीलिए हर एक चीज़ को बारीकी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग फिर कमेंट्स करते हैं कि आपने ये क्या बोला था, आपने वो क्या बोला था। तो उसी के रिगार्डिंग मैं थोड़ा ध्यान देता हूँ कि वीडियो को थोड़ा अच्छे से समझाओ। तो चलिए फिर हाफ एन आवर से आगे बढ़ते हैं। हमने एक्स्ट्रा सेलिंग कर दी है, मार्केट अगर रिवर्स आता है तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये सेंटर पॉइंट, ठीक है। चलिए और हाफ एन आवर से आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट हमारे जो है वो डाउन साइड में अभी भी बना हुआ है। दूसरे दिन देखिए मंडे को मार्केट और गैप डाउन हो चुका है, ठीक है। हमने जो सेलिंग कर रखी थी उसकी क्या सिचुएशन है, अभी देखिए ये 22 रुपये वाला था, वो 6 रुपये पे आ चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम एग्ज़िट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने एग्ज़िट कर लिया। अब हमारा लॉस देखिए, जो पहले 3400 का लॉस था, वो अभी 1800 का लॉस है। तो अभी हमें अपसाइड, डाउन साइड में मार्केट कहीं भी जाएगा तो 1800 से ज़्यादा का लॉस नहीं है, ठीक है। अब अपसाइड का हमारा जो प्रॉफिट था वो भी बढ़ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाते हैं अपसाइड में। हमने पहले सेल किया था 18,150 को, तो अभी हम क्या सेल करते हैं, हम 18,000 को सेल कर देते हैं। 13 रुपये का प्रीमियम हमें मिल रहा है, तो हम उसके दो लॉट सेल कर देंगे, ठीक है। तो हमने इसके दो लॉट को सेल कर दिया। अब देखिए प्री ऑप ग्राफ के हिसाब से बता देता हूँ, हम यहाँ पर, ये हमारा सेंटर है जहाँ पर हमने स्ट्रेडल सेल किया है, ये हमारी वो पॉइंट है जहाँ पर हमने एक्स्ट्रा सेलिंग कर रखी है, ठीक है। तो 17,600 से मार्केट अगर 17,950 आता है, तब जाके हमें कुछ यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत रहेगी। मतलब यहाँ से और 350 पॉइंट का अप मूव देता है, तब जाके आप ब्लू लाइन के हिसाब से भी देखोगे तो अभी देखिए आपकी ब्लू लाइन क्या शो कर रही है, नियर अबाउट 5-6 हज़ार का लॉस दिखा रही है, लेकिन वो तभी हो पाएगा अगर मार्केट यहाँ से सेम टाइम रिवर्स आ जाता है तो, ठीक है। तो हम तब तक अभी कुछ नहीं करेंगे जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। अप साइड में देखिए, डाउन साइड में आपके पास कुछ ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अभी दूसरी बात आती है कि इंट्रेंसिक वैल्यू को कब बुक करें, क्योंकि अभी हमारे पास जो पुट हमने बाय कर रखी है 17,750 का जो पुट है, उसके अंदर इंट्रेंसिक वैल्यू आ चुकी है। अब इस इंट्रेंसिक वैल्यू को कब बुक करना है, उसके लिए क्या है, आप एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सपोर्ट ढूंढ के रखिए, जहाँ से मार्केट आपको लगता है कि वहाँ से रिवर्स हो सकता है। जैसे कि अभी मार्केट चल रहा है 17,570, तो 17,500 एक राउंड फिगर है, ठीक है। तो 17,500 हमें लगता है कि ये राउंड फिगर है, और हो सकता है कि वहाँ से मार्केट रिवर्स करे, वहाँ पर सपोर्ट लेकर मार्केट रिवर्स करे। तो हम वेट करेंगे, अगर मार्केट 17,550 के आसपास आता है तो वहाँ पर हम हमारा एक बार जो इंट्रेंसिक वैल्यू है उसको बुक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हाफ एन आवर से और आगे बढ़ते हैं। अभी तक मार्केट उसी रेंज में बना हुआ है, 17,540, ठीक है, 520। अभी देखिए नियर अबाउट 3 बजे के आसपास मार्केट आ चुका है 17,490। अभी यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ट्रेड को ऐसे ही छोड़ सकते हो कि आपका मैक्सिमम लॉस जो होना था वो हो चुका है, आपके पास 700 रुपीज़ का लॉस होना था और वो हो चुका है आपके पास, ठीक है। तो आप या तो ट्रेड को ऐसे ही छोड़ सकते हो। दूसरी बात है कि आप इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू बुक करके अभी आपका जो ब्रेक इवन दिख रहा है वो कहाँ पर, आपका प्रॉफिट जोन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 17,750-760 के करीब। मतलब यहाँ से और 250 पॉइंट मार्केट अपसाइड भी जाएगा तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। उसको आप पास में ला सकते हो, कैसे, कि आप जो 17,750 का पुट है उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू बुक कर लीजिए, ठीक है। और जो एट द मनी पुट चल रहा है 17,500 का पुट, ठीक है, उसको हमने बाय कर लिया। अब देखिए जो पहले आपका 17,760 पे ब्रेक इवन था, मतलब कि आपका प्रॉफिट जोन स्टार्ट हो रहा था, वो अभी आके 17,580 पे आ चुका है। मतलब यहाँ से अगर मार्केट 80-90 पॉइंट भी रिटर्न आता है, रिवर्स आता है, तो आप प्रॉफिट में आ सकते हो। और अब ब्लू लाइन देखिए, आप ब्लू लाइन भी बहुत ही आपके फेवर में चल रही है, आपने दो लॉट एक्स्ट्रा सेल कर रखे हैं। फिर भी दूसरी बात, आपने जो दो लॉट सेल कर रखे थे वो क्या है, 7.5 रुपये पे आ चुके हैं। और उसके अलावा भी देखिए, हमने जो कॉल भी सेल कर रखी थी उसमें भी कुछ ज़्यादा अभी प्रीमियम नहीं बचा है, तो हम ये दोनों कॉल को एग्जिट करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 8 रुपये, 9 रुपये और इसमें 6 रुपये, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 रुपये बचा हुआ है। तो आप इसको एग्जिट करना चाहो तो एग्जिट कर सकते हो, तो हम यहाँ से उसको एग्जिट कर लेते हैं। अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमने जो दो एक्स्ट्रा सेलिंग कर रखी है वही बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसमें अभी भी हमारे पास 7.5 रुपये बचे हुए हैं, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे इसको 2-3 रुपये के आसपास एग्जिट करेंगे, और अगर इस बीच में मार्केट रिवर्स भी आता है तो हमारे पास काफ़ी अच्छी रेंज है ऑन अपसाइड में, ठीक है। अभी हमारा मैक्सिमम लॉस देखिए, आपने क्या किया, यहाँ पर अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ किया, ठीक है,
आप प्रॉफिट देखिए 18,000 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है, और अभी आपका लॉस क्या है 4,000 के आसपास का दिखा रहा है। तो आपने डाउन साइड में अपना रिस्क बढ़ाया है, तो अपसाइड में अपना प्रॉफिट भी इंक्रीज किया है, और अपने ब्रेक इवन को जो है प्रॉफिट जोन को वो नज़दीक लेके आ गए हो। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मार्केट और नीचे चला गया है 470, और थोड़ा ऊपर आया दूसरे दिन मॉर्निंग में 511 442। अभी देखिए हमने जो सेलिंग कर रखी थी वो 4 रुपये के आसपास आ चुका है, तो हम इसमें से रहने का कोई मतलब नहीं है, तो हम इसमें से भी एग्जिट हो जाते हैं। अब हमारे पास ट्रेड कुछ ऐसा बनकर रेडी है। हमें 5,000 का डाउन साइड में लॉस हो सकता है, एंड अपसाइड में प्रॉफिट होने के लिए 17,000 है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम डाउन से अपसाइड में जाके और एक्स्ट्रा सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स भी आता है तो 17,600 के बाद मार्केट हमें यहाँ से प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा। तो हम चलेंगे एंड 17,800 के आसपास 10 रुपये में ये प्रीमियम मिल रहा है, तो वहाँ पर जाके आप एक्स्ट्रा सेलिंग करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं एक्स्ट्रा सेलिंग कर देते हैं। अब देखो आपने एक लॉट सेल किया है, आपके यहाँ पर 500-600 रुपये का लॉस कम हो चुका है, और यहाँ पर आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा बना हुआ है। आप दो लॉट में सेल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए आज कौन सा दिन आ चुका है, ट्यूसडे हो चुका है मॉर्निंग में। और चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगर मार्केट रिवर्स आता है तो आपका स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी भी मार्केट नीचे ही बना हुआ है, जो अभी आपका डाउन साइड में रिस्क है वो 3,800 रुपये के आसपास है, एंड अपसाइड का आपका प्रॉफिट है वो है नियर अबाउट 11,000 रुपये का। ठीक है, जैसे मार्केट हमारे ग्रीन जोन में आ जाएगा तो फिर हम एक्स्ट्रा सेलिंग जो कर रखी है उसमें से हमें निकलना है तो निकल सकते हैं। ठीक है, अब ये 10 रुपये वाला 23 रुपये पर आ चुका है, हमें उतना लॉस दे रहा है, लेकिन अभी भी देखिए ब्लू लाइन हमारे फेवर में है मार्केट में, तो कोई बड़ी इश्यू नहीं है। दूसरे दिन देखिए वेंसडे को मार्केट फिर नीचे चला गया है। चलिए 17,600 के पास में मार्केट आ चुका है। एक बार देख लेते हैं हमने जो एक्स्ट्रा सेलिंग कर रखी थी उसकी क्या सिचुएशन है। वो अभी हमारे फ्लैट है, 10 रुपये पर ही बना हुआ है। अभी आप देखिए आप 1,100 रुपये के प्रॉफिट में आ चुके हो, कब, जब मार्केट है 17,580 के आसपास। अगर आपने इंट्रेंसिक वैल्यू बुक ना की होती तो 17,750 तक आपको कोई प्रॉफिट जोन दिखने वाला नहीं था, क्योंकि आपके पूरा जो प्रॉफिट जोन स्टार्ट हो रहा था वो 750 से स्टार्ट हो रहा था। तो इंट्रेंसिक वैल्यू बुक करने का ये फ़ायदा है कि आपको ट्रेड प्लस में दिखने लगा है। अब देखिए 600-700 रुपये के प्लस में आप दिख रहे हो। ठीक है, वेंसडे अभी 3:15 बज चुके हैं और आप 2,500 के प्रॉफिट में चल रहे हो। आपका जो वीकली टारगेट है 2,500 रुपये का पर लॉट, वो यहाँ पर अचीव हो गया है। आपने जो एक्स्ट्रा सेलिंग कर रखी थी उसको भी एक बार मैं दिखा देता हूँ कि उसकी क्या सिचुएशन है। वो अभी भी 10 रुपये पर ही बना हुआ है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, आपने जो इंट्रेंसिक वैल्यू बुक की थी उस टाइम पे हमारा क्या रूल था कि हमें 20 पॉइंट्स देना है ऑन 100 पॉइंट्स की गैप में। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर देखिए तो 50 पॉइंट्स की गैप में 10 रुपये हमें पे करना था। रिटर्न आते टाइम उसका उल्टा करना है, 50 पॉइंट्स की गैप में आपको 20 रुपये तक मिलता है तो आप दे सकते हो, मतलब शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अभी ये 19 रुपीज़ है और ये 30 रुपीज़ है, तो इन दोनों का गैप क्या है 11 रुपये। ठीक है, और इन दोनों के बीच का गैप क्या है 17 रुपये। तो 20 रुपये तक की जो गैप है उसमें आप शिफ्ट कर लो, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं 17,600 पर। ठीक है, 17,600 के पुट को हमने बाय कर लिया है, एंड 17,500 के पुट से हम एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए आपका ट्रेड क्या बनकर रेडी है। अभी आपका डाउन साइड में रिस्क क्या है 200 रुपये का, अपसाइड का आपका प्रॉफिट जोन कब तक है 18,000 रुपये, 18,000 के लेवल तक आप प्रॉफिट में रहोगे। ब्लू लाइन भी आपके अच्छे खासे फेवर में चल रही है। चलिए और हाफ एन आवर से आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरे दिन मार्केट थर्सडे को 17,700 पे खुला है और आप 4,600 के प्रॉफिट में चल रहे हो। ठीक है, अभी आपने जो सेलिंग कर रखी थी एक्स्ट्रा सेलिंग, वो देखिए 17,800 की कॉल अभी भी 10 रुपये पर ही ट्रेड कर रही है। अभी हम इसमें से निकल जाएंगे क्योंकि 17,800 के आसपास मार्केट आने वाला है, तो हमने 17,700 पे ही उसमें से एग्जिट कर लिया है। ठीक है, अब डाउन साइड में रिस्क हमारा 1,200 रुपये का है। अभी हम फिर से क्या करेंगे, इसको 20 पॉइंट्स के हिसाब से मतलब शिफ्टिंग देखेंगे। तो अभी देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10 रुपये 12 रुपये। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 17 रुपये, तो हम यहाँ तक शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम आराम से क्या करेंगे, हम चलेंगे और हमारे 17,700 के पुट को बाय कर लेंगे। ठीक है, इसको हमने बाय कर लिया। अब आप देख लीजिए अपना ट्रेड, अपसाइड में मार्केट गया 14,000 का प्रॉफिट है, डाउन साइड में गया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है, सेंटर में भी रह गया आपको
तो 1700-1800 रुपये का प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप चाहो तो ट्रेड को ऐसे छोड़ सकते हो, और ऐसा नहीं करना है तो आप जो आपने 1700-700 का 600 का पुट है उसमें से आप एग्ज़िट हो सकते हो। तो उसमें से आप एग्ज़िट कर लिया। अब आप देखिए, डाउन साइड में आपका प्रॉफिट है 2400, अप साइड में आपका प्रॉफिट है 1400। लेकिन अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो इसमें आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा प्रॉफिट कम करके आप एक चांस ले सकते हो कि ट्रेड आपका ऐसा ही बना रहे, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से कोई शार्प मूव दे देता है डाउन साइड या अप साइड में, तो आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट रहेगा। तो चलिए चलते फिर आगे। अभी हमें ट्रेड में देखिए 5000 तक का प्रॉफिट शो हो रहा है, ठीक है, 5000 समथिंग का प्रॉफिट, 4000 का प्रॉफिट। अभी भी आप ट्रेड को आराम से इसमें क्लोज करके जा सकते हो। और मैं आगे बढ़ा देता हूँ, मार्केट अभी भी 17700 के आसपास चल रहा है, ठीक है, 17700 पे ही मॉर्निंग से ही मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है। 3 बजने वाले हैं, 3 बज चुके हैं, और 15 मिनट से आगे बढ़ाता हूँ। देखिए लास्ट के 15 मिनट में मार्केट 17500 तक आ चुका है, और अभी आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ के हो चुका है नियर अबाउट 6300, ठीक है। तो ये जो हमने डाउन साइड में थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा, मतलब ये जो जोन था सेंटर वाला जोन में प्रॉफिट कम करके हमने इस साइड को अनलिमिटेड प्रॉफिट में कन्वर्ट किया था, तो उसकी वजह से क्या है, हमारा जो प्रॉफिट 2-3 हज़ार का था वो बढ़ के 6000 तक भी चला गया। तो इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे बुक करनी है और कब बुक करनी है, उसी के रिगार्डिंग आपने अच्छे से समझा होगा आई होप, क्योंकि सपोर्ट पे आपको करना है। हो सकता है कई बार आपका ये ट्रेड आपको लॉस भी दे सकता है, क्योंकि आपने जैसे इंट्रेंसिक वैल्यू बुक की और मार्केट और भी आगे गिर गया, तो फिर क्या है, आप एक्स्ट्रा सेलिंग करके आपने लॉस को थोड़ा बहुत कम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप इंट्रेंसिक वैल्यू बुक करोगे और ट्रेड आपके फेवर में जाएगा, तो ये बात भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर कोई, और यहाँ पे ओनली आपको प्रॉफिट शो करना ही मेरा कोई मोटिव नहीं है। आपको बस ये समझाना था कि इंट्रेंसिक वैल्यू को कैसे बुक करते हो और फिर उसको रिटर्न में कैसे रिवर्स में उसको बाय करके हम नज़दीक ला के हमारे जो लॉस है उसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ऑप्शन क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।